हेलो वेवर, आज हम बात करेंगे सलमान खान के जेल के बारे में। काला हिरन का शिकार सलमान खान की जेल की यात्रा मजीद लंबी हो गई। हाँ दोस्तों, भारतीय अदालत ने काले हिरन के शिकार केस में सलमान खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला कल तक के लिए महफूज कर दिया है, जिसके बाइस सलमान खान को कम अज कम मजीद एक रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर के मातख्त अदालत में नायाब हिरन के शिकार में सजा पाने वाले सलमान खान की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त जमानत की समाप्त हुई। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीव कुमार कतरी ने परिकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज कर दिया, जिसके बाद सलमान खान को मजीद एक रात जोधपुर जेल में गुजारनी पड़ेगी। गुज़िश्ता रोज नायाब हिरन के गैर कानूनी शिकार केस के समाप्त के दौरान सलमान खान को जोधपुर अदालत की जानिब से 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। सलमान खान को गुज़िश्ता रोज जोधपुर जेल में ले जाया गया और उन्हें कैदी नंबर 106 अलर्ट किया गया है। सलमान खान को जिस बेरक में रखा गया है वहां कत्ल और ज्यादती का बदनाम जमाने मुजरिम असारा बापू भी कैद है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सलमान खान के साथ बिल्कुल आम कैदियों की तरह रवैया अख्तियार किया गया। सलमान को बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें वही दाल रोटी दी गई जो दूसरे कैदियों के लिए भी बनाई गई थी, ताहम उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। सलमान खान को सुबह 8:15 पर चाय और नाश्ता दिया गया, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाया। जेल इंतजामिया की जानिब से उन्हें रात को सोने के लिए कंबल दिया गया और वो दीगर कैदियों की तरह फर्श पर सोए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज काले हिरन के शिकार केस में नामजद दीगर अदाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बांद्री को अदालत ने अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया था। दूसरी जानिब जज कतरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि सलमान खान लाखों अपराध के लिए रोल मॉडल है, लिहाजा उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए थी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन। दोस्तों, नई खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। शुक्रिया।